नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजल न्यूज। मैं हूं आपकी रिपोर्टर गुड्डी कुमारी। और आज शहर में हो रही कुछ दर्दनाक वारदातों के ऊपर से मैं पर्दाफाश करने आई हूं यहां पर। आपको शायद इस बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको सावधान करना और सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे ही चैनल में, हमारे चैनल के रेडियो स्टेशन रेडियो 101 के आरजे को कुछ दिन पहले उठाया गया था, हॉस्टेज बनाया गया था, उनके साथ काफी अत्याचार हुआ। और चलिए, ये एक बार का मुद्दा हो सकता है, एक बार की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार फिर विजल न्यूज के ही इम्प्लॉय पर अटैक हुआ है, विजल न्यूज के ही इम्प्लॉय को उठाया गया है। और आज अपनी ये दुख भरी दास्तान खुद बयां करने यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विजल न्यूज के टैलेंट कंटेंट क्रिएटर बॉडी चड्डा। धन्यवाद जी मुझे बुलाने के लिए। बॉडी चड्डा, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि हाउ यू डूइंग। आई एम डिप्रेस्ड। मुझे कल ऐसा मेरे साथ बर्ताव हुआ, मेरे साथ ऐसी ऐसी वारदात हुई, तो मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। चड्डा जी, मैं चाहूंगी कि आप पूरा इंसिडेंट नरेट करें, बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था। देखिए जी, एज अ रिपोर्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर इन विजुअल न्यूज, मेरा फर्ज होता है कि मैं हर जगह ऐसे नई नई जो भी हमारे शहर में वारदातें हैं उनको ब्रेक आकर हमारे दर्शकों को दिखाए। तो कल मेरे को एक नंबर से कॉल आता है जहाँ पे मुझे बोला जाता है कि भाई साहब, जरा यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है, यहाँ पर वारदात होने वाली है, यहाँ पर एक ट्रक है जिसके अंदर असला, बारूद, ग्रेनेड्स, बॉम्ब, ये सब चीज़ें हैं जो कि स्मगलिंग हो रही है और यहाँ से जा रही है, तो ज़रा आप आएं और यहाँ पे बातचीत करें, तो यहाँ पर अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए तो आ जाएं। तो मैं एज अ रिपोर्टर अपने दर्शकों के लिए गया वहाँ पर। वहाँ जाकर जैसे ही मैंने अपना कैमरा खोला, मतलब कैमरा नहीं, माइक निकाला, उसी वक्त दो गाड़ियाँ आती हैं और मेरे ऊपर असला गन पॉइंट कर देती हैं। मैं और मेरे साथ के दो कलीग्स वहाँ पर हैंड्स अप कर लेते हैं और वो मेरे दो कलीग्स को भगा देते हैं, मेरे को उठाते हैं, फिर एक दूसरी जगह कहीं पहाड़ों पर लेके जाते हैं मुझे। वहाँ पर जाके मुझे बोला जाता है कि तू ये जो काम कर रहा है शहर में, इतना अच्छा काम, मतलब उनके लिए मैं रिपोर्ट्स लिख रहा था तो वो अपनी तरफ से गंदा बोल रहे थे कि तू हमारे खिलाफ रिपोर्ट ना कर या फिर ये सब मत कर, पर मैं डरा नहीं। मैंने बोला मैं अपने देश के लिए, अपनी विजुअल न्यूज़ के लिए लायल हूँ और मैंने ऐसे अपना काम करूँगा मैं ऐसे ही। तो उन लोगों ने बोला कि अगर तू आगे करेगा तो हम मुझे मुझे मार देंगे, और इतने में उन लोगों ने मेरा जवाब तक नहीं सुना और मुझे खच 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 3 बार चाकू मेरे कमर पे मारा गया। और जो भगवान की दुआ थी, मैं बच गया, आज मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, वरना हो सकता था मेरी जान भी चली जाती। तो बॉडी चड्डा जी को, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, बॉडी चड्डा जी ने जैसा बताया हमें कि उन्हें स्पेशली न्यूज का हवाला देकर बुलाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं शहर में रिपोर्टर्स को, विजल न्यूज के रिपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो बॉडी जी, आपका क्या रेजोल्यूशन है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, क्या आप अब विजल न्यूज के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे या क्या आपका फैसला है? देखिए, विजल न्यूज से उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है हमारी सच्चाई से, हमारी अच्छाई से। हम लोग उनका काले कारनामे, हम लोग उनके दुष्कर्म जो हम उसको अपने चैनल पे दिखाते हैं, उनको प्रॉब्लम है उससे। हम लोग अगर उनके बारे में कुछ बोलते हैं, उनके बारे में उनका सच निकालते हैं, तो उनको प्रॉब्लम है उससे। तो मैं अपने विजुअल न्यूज के साथ तो कंटिन्यू करूंगा ही और आगे भी कोशिश करूंगा ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। तो यानी कि हम तो अपना काम जोरों शोरों से, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, ताकि जो भी शहर में गुंडे मवाली हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ट्रिगर कर रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं कि वो हम पे हमला करें। लेकिन इन गुंडे मवालियों को रोकने के लिए और उनको कंट्रोल करने के लिए काम तो पीढ़ी का है ना, तो पीढ़ी क्या कर रही है? ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ती हूँ और इसी के साथ
मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलेंगे फिर से एक और तड़कती तड़कती भड़कती न्यूज के साथ। मैं हूँ गुड्डी कुमारी, कैमरे पर है मेरे साथ जोसेफ, आप देख रहे हैं वीजल न्यूज।